हेलो गाइज, शाम का समय है और मैं अपने किचन गार्डन में आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ गर्मी वाली सब्जियाँ लगा दी गई हैं। तो यहाँ पे हमने लगाई है लौकी, तो लौकी अभी उगा नहीं है, 7-8 दिन हो गए हैं तो लौकी नहीं निकला है। ये पहले का कद्दू लगा हुआ था तो ये निकल गया है। और टमाटर भी हमने लगा दिए हैं, टमाटरों को। तो यहाँ पे हमने टमाटर लगा दिए हैं। और तो इधर टमाटर सब लगे हुए हैं गर्मी वाले, तो अभी इसमें देखिए फूल निकल रहे हैं। पहले के जो टमाटर लगे थे तो उसमें तो अभी पकना शुरू हो गया टमाटर, तो ये थोड़ा अभी इसमें फूल आ रहा, फिर फल बनेगा तो टाइम लगेगा। तो देखिए कुछ पौधे यहाँ उग चुके हैं, ये सारे ये टमाटर के पौधे। और ये प्याज लगा दिए गए हैं, तो ये सब प्याज है। तो ये प्याज जड़ पकड़ चुका है, कुछ प्याज इसमें गल भी चुके हैं तो थोड़े दूर दूर हो गए हैं। और ये टमाटर हमने मेड़ों पे लगा दिए हैं, जो मेड़ है। तो ये टमाटर की बुआई हुई है, तो ये 4-5 प्याजी, कैरी, अनियन है, बाकी है पत्ता गोभी। तो इधर है पत्ता गोभी जो अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो देखिए ये थोड़ा छोटा है, अभी बन रहा। और ये है शलजम, इसको और इधर है धनिया जो हमने प्रूनिंग कर दी थी। तो प्रूनिंग करने से देखिए ब्रांचेज, नई नई ब्रांच निकल रही हैं देखिए। और मैं डेली इसमें से भी सुबह भी हार्वेस्ट की हूँ, तो प्रूनिंग करने का फ़ायदा है। तो ये धनिया ज़्यादा दिन तक चलेगा, अभी 1-1.5 महीने तक उम्मीद है कि जब तक बहुत देर तक बहुत तेज़ गर्मी नहीं पड़ेगी तब तक धनिया खाने को मिलेगा। तो मैं इसको जो भी ब्रांच निकलेगा उसमें से तोड़ती जाऊंगी धनिया। और इधर है गुआवा, तो देखिए कैसे लगे हैं गुच्छों में। काफ़ी गुआवा लगा हुआ है और फूल भी बहुत तेज़ी से बन रहा है। जो नई जितनी ब्रांचेज नहीं निकली हैं वो सारी फूलों से भर चुकी हैं। ये बारहमासी गुआवा है। बहुत ही अच्छा पेड़ निकला, मैं नर्सरी से लाई थी। और आगे चलती हूँ, इधर हमारे घर के पिछवाड़े जो खेत है, तो आज बारिश हुई है तो देखिए बहुत ही अच्छा, पौधों को भी थोड़ा मिल गया पानी, जितनी ज़रूरत थी उतनी ही पानी मिला है। थोड़ा बारिश हुआ है तो लास्ट में पानी की थोड़ी ज़रूरत होती है। जब तक ये गेहूँ के पौधे हरे हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको प्रकृति द्वारा जो मिला है पानी तो इसके लिए अच्छा है। हाँ, जो पौधे पक चुके हैं उसके लिए नुकसान है, तो कुछ कहीं कहीं पे नुकसान भी
हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये पौधों के लिए फ़ायदा है क्योंकि थोड़ा पीछे बोए गए थे तो ये अभी हरे हैं बालियाँ और लगभग पक चुकी हैं, कट भी रही हैं। और यहाँ है देखिए हमारे ड्रमस्टिक में कैसे बन रहा है फलियाँ। तो 2-4 दिन के बाद मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी, थोड़ा अभी छोटा है तो इसकी सब्जी बनाऊँगी, तो आज मैं इसको हार्वेस्ट नहीं करूँगी, 2-3 दिन के बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इसको मुनगा कहते हैं, तो बहुत बड़ा पेड़ है, काफ़ी लगे हुए हैं ड्रमस्टिक। तो अभी चलते हैं किचन गार्डन में। तो ये किचन गार्डन में मैं आ गई हूँ और यहाँ देखिए ये हमारे लहसुन का क्यारी, जहाँ से मैं डेली लहसुन तोड़ती हूँ। तो जो ये कमज़ोर हैं पौधे, उसको मैं उसके पत्तों को तोड़ लूँगी क्योंकि उसमें नीचे गांठ नहीं बनेगी। तो 2 क्यारी है गार्लिक, तो कुछ ये हैं पौधे जिसको सिकुड़ से गए हैं या बहुत पतले हैं, उसकी पत्तियों को मैं तोड़ लूँगी यहाँ पे। तो हमने देखिए इतने तोड़ लिए। और बैंगन देखिए गार्डन में बहुत तेज़ी से, हमने ये ठंडियों में लगाए थे, नए पेड़ हैं इस साल के, बहुत तेज़ी से लग रहे हैं, इनके कैसे लगे हुए हैं बैंगन। तो ये लंबे वाले हैं बैंगन और ये है राउंड वाला। देखिए ये ख़राब हो गया बारिश की वजह से, 2 दिन बारिश हुई तो यहाँ एक ख़राब हो गया। तो ये सब राउंड वाले हैं, लंबे वाले हैं, वाइट कलर के भी बैंगन हैं और ये सब हैं पत्ता गोभी। तो यहाँ पर भी देखिए पत्ता गोभी है जो अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और यहाँ है टमाटर, तो देखिए टमाटर भी पक रहे हैं गार्डन में। तो जो पके पके हैं उसको मैं तोड़ लूँगी। देखिए कैसे कितनी तेज़ी से फले हुए हैं टमाटर। यही है साइज़ थोड़ा छोटा है क्योंकि हमने मार्केट से पौधे ला के लगाई थी तो उतना अच्छा पौधा नहीं निकला, लेकिन फला बहुत तेज़ है। और ये है सोया का पौधा जो अपने आप उग गया था, तो अपने आप ही उग गया। और इधर देखिए वाइट बैंगन, तो ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, तो इसको मैं तोड़ लूँगी। और इधर भी है, तो देखिए कैसे लगे हुए हैं।
3 बैंगन, तो मैं चलती हूँ अपने दक्षिण साइड किचन गार्डन में। ये उत्तर साइड का है किचन गार्डन, तो अभी दक्षिण में चलती हूँ, तो वहाँ देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। तो ये हमारे गमलों में देखिए हैं स्नैक प्लांट, ये बॉर्डर वाला है, येलो कलर का बॉर्डर है, ये प्लेन है। दो तरह के स्नैक प्लांट है जो हमने लगाए हैं। और ये है शकरकंदी का पौधा, ये है नींबू का पौधा, और ये जेड प्लांट, और देखिए हमने बोगन बीलिया भी लगा दिए हैं जो अभी पानी पाया है तो लग जाएंगे बोगन बीलिया। और देखिए ये इस पौधे का नाम मुझे नहीं मालूम, तो देखिए इसमें भी फूल बनने लगे हैं और कहीं कहीं पे देखिए पत्तियां हैं। तो ये जो है ये इसका मतलब ये फूल है। और हमने यहाँ पे लगा दिए हैं गुलदाउदी, तो गुलदाउदी का समय है अभी लगाने का मार्च महीने में, तो हमने गुलदाउदी भी लगा दिए हैं। बाद में दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी, पहले पकड़ ले। और ये है पथरचट्टा जो किडनी रोग के लिए काफ़ी फायदेमंद है, स्टोन किडनी स्टोन के लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ से हम लोग इसका डेली पत्तियाँ तोड़ के खाते हैं एक एक, कभी कभी चटनी भी बना लेते हैं इसका। तो ये हमारे करी पत्ता का पौधा, और मैं वहाँ से जो तोड़ के लाई हूँ अपने उत्तर साइड गार्डन से, तो ये है थोड़ा टमाटर और लहसुन का पत्ता और वाइट वाले बैंगन तोड़ के लाई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे करी पत्ता में फूल भी बनने लगे हैं, तो कुछ मैं छोड़ दूँगी बीज के लिए और कुछ प्रूनिंग कर दूँगी जिससे नई ब्रांचेज आए इसमें। तो देखिए ये मैं यहाँ दो डाली में प्रूनिंग कर दी, और ये कुछ छोड़ दे रही हूँ नई बीज के लिए। और यहाँ पे देखिए हमने तोड़ दिए बीज को, ये भी हमने तोड़ दिया। और देखिए ये हमारे 2 साल पुराना बैंगन का पेड़, तो किस तरह से बैंगन लगा हुआ है इसमें, काफ़ी लगा हुआ है, इतना है कि हम नहीं खा सकते इसको, काफ़ी बैंगन लगे हुए हैं। और इसमें देखिए इस पेड़ में कितने लगे हैं, यहाँ तो भर भर के लगा हुआ है। देखिए कितने कैसे लगे हुए हैं बैंगन, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ थोड़ा तोड़ लेती हूँ क्योंकि पेड़ में भी ख़राब हो जाएंगे, 2 साल पुराना है पेड़।
तो अभी साइज़ थोड़ा छोटा हो गया इसका। यहाँ भी देखिए काफ़ी लगे हैं बड़े बड़े। और यहाँ देखिए गोल वाले भी हैं, तो ये गोल वाले भी मैं थोड़ा तोड़ लूँगी। इतना क्योंकि बहुत ज़्यादा बैगन लग रहा, तो इसको हार्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। नहीं तो हार्ड हो जाएंगे। हर दूसरे तीसरे दिन मैं तोड़ रही हूँ इसको, फिर नए नए निकल आ रहे हैं। तो हमने इतने तोड़ लिए बैगन। और ये हमारे प्याज का क्यारी है दक्षिण साइड में, दो क्यारी प्याज लगा दिया गया है, तीसरे में ये लगा रहे थे तो प्याज कम पड़ गया, मिला नहीं तो इसलिए क्यारी खाली है। तो यहाँ पे उगाएंगे पालक। तो ये है पालक, तो यहाँ मैं पालक को डाल दूंगी। ये गर्मी वाले पालक हैं, तो हमें गर्मी में भी पालक खाने को मिलेंगे। तो ये मैं 10 रुपये का लाई थी और यहाँ पर हमने उगा दिया। पहले से हमने यहाँ थोड़ा गुड़ाई कर दी थी और बारिश होने के नाते इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बारिश की वजह से इसमें गीला हो गया है मिट्टी। तो मिट्टी ये मैं मिला दे रही हूँ इसको पालक को। तो ये इतना दूर पालक काफ़ी हो जाएगा इतना खाने के लिए एक परिवार के लिए। और अब मैं चलती हूँ आगे। तो यहाँ हमने पालक और आधे में प्याज है और वो है पालक, और ये है चेरी का पौधा। देखिए अभी पतझड़ के बाद इसमें बसंत ऋतु आ गया। और ये धनिया जो हमने प्रूनिंग कर दी थी, तो देखिए कैसे नई नई ब्रांचेज इसमें निकल आई हैं। और मैं यहाँ से थोड़ा ले लूँगी धनिया, तो मैं ऊपर से इसको तोड़ती रहती हूँ। देखिए कितनी ब्रांचेज निकली हुई हैं इसमें, तो ऐसे मैं तोड़ लूँगी फिर नई ब्रांच आ जाएगी। तो आपके पास भी अगर धनिया की क्यारी हो तो इस तरह से ऊपर से प्रूनिंग कर दीजिए, तो आपको 1.5-2 महीने तक खाने को मिलेगा धनिया। तो आप भी हमारी तरह डेली हार्वेस्ट करिए, जितना तोड़ेंगी उतना ही नई नई पत्तियाँ और ब्रांचेज निकलते रहेंगे। तो हमने तोड़ लिए धनिया,
तो धनिया लहसुन टमाटर, और ये भी टमाटर की क्यारी है, तो इस वाले में अभी नहीं पके हैं, बस टमाटर ही बने हैं। टमाटर इसमें लग चुके हैं, तो अभी इसमें नहीं पके हैं। और यहाँ मैं अपना पत्ता गोभी हार्वेस्ट करूँगी यहाँ से। तो यहाँ हमने हार्वेस्ट कर लिया पत्ता गोभी भी, तो एक और ले लूँगी। तो ये भी मैं ले लेती हूँ। दो दो हमने हार्वेस्ट कर लिए पत्ता गोभी। और ये रहा यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा। तो अभी शाम हो रहा है, तो यहाँ भी देखिए काफ़ी और भी हैं हार्वेस्टिंग के लिए पत्ता गोभी, जिसको मैं बाद में हार्वेस्ट करूँगी। तो हमने इतने तोड़ लिए, यहाँ भी है पत्ता गोभी, और ये हमारी भिंडी, देखिए इधर भिंडी कद्दू भी उगाए हैं, और ये भिंडी भी उग गया है एक क्यारी। तो ये भिंडी की क्यारी है, जिसमें पत्ता गोभी है उसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। तो हमारे पास चार पांच, देखिए ये भी कद्दू है, यहाँ भी उग गया, ये भी उग गया, तो चार पांच कद्दू भी उगा है, और ये सब भिंडी है। तो ये हमने आज की हार्वेस्टिंग है मेरी, बैंगन टमाटर लहसुन के पत्ते और धनिया। बैंगन लंबे वाले, सफ़ेद वाले, गोल वाले, काफ़ी हमने हार्वेस्टिंग कर ली। तो बैंगन का भी हमारे पास वैरायटी है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।